दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुलधरा टेम्पल के रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान की रेतीली धरती में कई राज दफन हैं जिन्हें जान के बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। कुलधरा और पानगढ़ से अलग से एक और रहस्यमय स्थान है। ये स्थान है किरादू कमन में, पूरे राजस्थान में खजुराहो मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर प्रेमियों को विशेष आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ की खौफनाक सच्चाई है जिसे जानने के बाद कोई भी यहाँ शाम के बाद ठहरने की हिम्मत नहीं करता। किरादू मंदिर के विषय में एक ऐसी मान्यता है, यहाँ शाम ढलने के बाद जो भी जाता है वो या पत्थर का बन जाता है या हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। किरादू के विषय में है मान्यता कई वर्षों से चली आ रही है। पत्थर बन जाने के डर से या शाम ढलते ही पूरा इलाका वीरान हो जाता है। इस मान्यता के पीछे अजीब दास्ता है जिसकी गवाह एक औरत की पत्थर की मूर्ति है जो किरादू से कुछ दूर सिडी गांव में स्थित है। और लोगों का मानना है कि यह सब एक तपस्या के श्राप के कारण हो रहा है। लोग बताते हैं कि वर्षों पहले किरादू में एक तपस्या पधारे और उनके साथ उनके कई शिष्य भी आए। तपस्वी एक दिन शिष्य को गांव में छोड़कर किसी जरूरी काम से देश के बाहर चले गए। इस बीच शिष्यों को स्वास्थ्य खराब हो गया। गांव में किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। तपस्वी जब किरादू वापस लौटे और अपने शिष्यों की दुर्दशा देखी तो गांव वालों को श्राप दिया कि जहाँ के लोगों के हित पत्थर के है वह इंसान बने रहने के जोगी नहीं है। इसीलिए गांव के सभी निवासी पत्थर में तब्दील हो गए। वही एक कुमारीन भी थी जिन्होंने शिष्यों की सहायता की थी। तपस्वी ने उस पे दया कहते हुए कहा कि तुम गांव से चली जाओ वरना तुम भी पत्थर की बन जाओगी, लेकिन याद रखना जाते समय पीछे मुड़ के मत देखना। कुमार ने गांव से चली तो गई, लेकिन उसके मन में संदेह होने लगा कि तपस्वी की बात सच भी है या नहीं। पर आखिर में उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया और वो भी पत्थर की बन गई। सिन्नी गांव में कुमारन की पत्थर की मूर्ति आज भी उस घटना की याद दिलाती है। दोस्तों, ये घटना सच है या अंधविश्वास है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्थानीय निवासी के माने तो इस गांव में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे रहस्यमय वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। दोस्तों।